हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा और आप सभी का वेलकम है आपके ही चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं बहुत ही प्यारी प्यारी सी विशेज गुड नाइट विश करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला फ्रेज है गुड नाइट विश करने का, वो है गुड नाइट फ्रेंड, आई होप यू ड्रीम ऑफ कलरफुल एंड फैंटास्टिक थिंग्स। यहाँ पर आप जिन्हें गुड नाइट विश करना चाहते हैं उन्हें आप गुड नाइट विश करते हुए ये कह रहे हैं कि शुभ रात्रि दोस्त। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो गुड नाइट के बाद फ्रेंड लिखें। अगर आप किसी का नाम लिखना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं यहाँ पर शुभ रात्रि दोस्त, मुझे आशा है या उम्मीद है कि आपके सपने बहुत ही ज़्यादा कलरफुल यानी रंगीन हो और बहुत ही ज़्यादा शानदार हो, यानी आपकी नींद बहुत अच्छी हो और आप सपनों में बहुत ही अच्छी चीज़ें देखें, यानी रंगीन चीज़ें देखें और शानदार चीज़ें देखें। तो आप इस तरीके से किसी को गुड नाइट विश करके उन्हें बहुत अच्छा फील करा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मे द शाइनिंग मून शावर इट्स ग्रेस एंड बी विथ यू थ्रू आउट दिस नाइट गुड नाइट। तो फ्रेंड्स, जिन्हें आप गुड नाइट विश कर रहे हैं उनसे आप ये कह रहे हैं कि मैं कामना करता हूँ या करती हूँ कि ये चमकता हुआ चांद तुम्हारे ऊपर अपनी दया बनाए, यानी तुम्हारी रात को खूब अच्छा बना दे और तुमको शुभ रात्रि। तो आप इस तरीके से भी गुड नाइट विश कर सकते हैं बहुत ही खास अंदाज में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गुड नाइट विश करने का बहुत ही ज़्यादा अनोखा तरीका, और वो है लेट द फेरीज मेक योर स्लीप वंडरफुल गुड नाइट। यहाँ पर फ्रेंड्स, जिन्हें आप गुड नाइट विश कर रहे हैं उनसे आप ये कह रहे हैं कि अब आप सो जाइए और परियों को अपना काम करने दीजिए। परियों का काम ये है कि वो आए और आपकी नींद को बहुत ही ज़्यादा शानदार बना दें और आपको शुभ रात्रि। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अ न्यू मॉर्निंग इज वेटिंग फॉर यू स्लीप वेल एंड स्लीप टाइट बिकॉज द न्यू डे वॉन्ट्स यू टू बी फिट एंड ऑल चार्ज अप गुड नाइट। यहाँ पर फ्रेंड्स, जिन्हें आप गुड नाइट विश करना चाहते हैं उन्हें गुड नाइट विश करते हुए आप ये कह रहे हैं कि एक नई सुबह आपका इंतजार कर रही है, अच्छी और गहरी नींद लें क्योंकि नया दिन चाहता है कि आप फिट हों और पूरी ऊर्जा से भरे हों, शुभ रात्रि। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, दिस नाइट इज सो ब्राइट एंड फुल ऑफ स्टार्स, मे यू हैव अ ड्रीम एज ब्यूटिफुल एज दिस नाइट। यहाँ पर फ्रेंड्स, जिन्हें आप गुड नाइट विश करना चाहते हैं उनसे आप ये कह रहे हैं कि ये रात बहुत ही ज़्यादा चमकदार और सितारों से भरी हुई है, यानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और आशा करते हैं या हम चाहते हैं कि आपकी इस रात के सपने भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हों जैसे कि ये रात खूबसूरत है। तो आप इस तरीके से भी गुड नाइट को बहुत अच्छे तरीके से किसी को भी विश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक गुड मॉर्निंग विशेस पे वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे आप दूसरे लोगों को गुड मॉर्निंग विश करते हैं उसी तरीके से आप सबसे पहले खुद को गुड मॉर्निंग विश करें, क्योंकि आप भी बहुत खास इंसान हैं और आपसे खास तो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए ज़रूरी है कि आप भी अपने दिन को बहुत अच्छा बनाएं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने। और हाँ फ्रेंड्स, जिस तरीके से आप गुड मॉर्निंग खुद को विश कर सकते हैं उसी तरीके से आप गुड नाइट भी खुद को जरूर विश कीजिए, जिससे आपकी रात भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और आप जब दूसरे दिन उठे तो आप भी पूरी एनर्जी से भरे हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने आप को गुड नाइट विश करना चाहते हैं तो
जैसे ये वाला फ्रेज है, इसको आप अपने तरीके से बोल सकते हैं। जैसे दिस नाइट इज सो ब्राइट एंड फुल ऑफ स्टार्स, मे आई हैव अ ड्रीम एज ब्यूटीफुल एज दिस नाइट। यहाँ पर आप खुद से पहले कहिए कि ये रात बहुत ही चमकदार और सितारों से भरी है और आशा करता हूँ कि मेरी भी रात बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगी जैसे ये रात बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा परेशान है तो आप उनको इस तरीके से गुड नाइट विश करके उनको काफ़ी अच्छा फील करा सकते हैं। जैसे स्लीप इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर एंजाइटी एंड सैडनेस, यू मे फील बेटर आफ्टर अ गुड स्लीप, गुड नाइट एंड स्लीप वेल। यहाँ पर फ्रेंड्स आप गुड नाइट विश करते हुए ये कह रहे हैं कि चिंता और उदासी की सबसे अच्छी दवा है नींद, और आप एक अच्छी नींद लेने के बाद काफ़ी अच्छा महसूस कर सकते हैं, यानी आप काफ़ी तरोताज़ा महसूस कर सकते हैं, और शुभ रात्रि और आपकी नींद अच्छी हो, यानी आप अच्छी नींद लें। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप उनको गुड नाइट काफ़ी अच्छे से विश करके उनको अच्छा फील करा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वेक अप विद डिटर्मिनेशन, गो टू बेड विद सेटिस्फेक्शन, गुड नाइट। फ्रेंड्स यहाँ पर आप गुड नाइट विश करते हुए ये कह रहे हैं कि दृढ़ संकल्प के साथ जागो, यानी जब जागो तो आपके पास एक संकल्प होना चाहिए किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए, यानी जिस लक्ष्य को आपने अपने दिमाग में सोच रखा है। लेकिन जब आप सोने के लिए जाइए, यानी जब आप अपने बेड पर जाइए सोने के लिए, तो आपके मन में एक संतुष्टि होनी चाहिए, यानी संतोष होना चाहिए कि आपने उस काम को पूरा कर लिया जिसका आपने संकल्प लिया था। अगर कभी कभी हो कि आपने जो संकल्प लिया था वो काम ना पूरा हो पाए, तब भी आप अपने मन में एक संतुष्टि रखिए, यानी संतोष रखिए कि आप अगले दिन उस काम को जरूर पूरा करेंगे, और उस संकल्प के साथ आप सो जाइए, क्योंकि बिना संतुष्टि के आप अच्छे से नींद नहीं ले सकते हैं। और आपको शुभ रात्रि। आप इस तरीके से भी फ्रेंड्स बहुत अच्छे से गुड नाइट विश कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट विश आप लोगों को बताऊं, उससे पहले ये कहना चाहूंगी कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर नेहा बी पावरफुल के नाम से फॉलो कर सकते हैं। आप लोग जो मेरे वीडियो के नीचे प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं, उनमें से जो कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है उन्हें मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगाती हूँ। हो सकता है आज मैंने आपका ही कोई कमेंट इंस्टा की स्टोरी पर लगाया हो, तो जाकर जरूर देख लीजिए, और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स जो लास्ट गुड नाइट विश है वो है समवन स्पेशल के लिए, यानी इस तरीके से आप अपने हस्बैंड को, वाइफ को, या GF या BF को इस तरीके से आप गुड नाइट विश कर सकते हैं। जैसे यू आर द रीजन फॉर माई स्माइल एंड माई हैप्पीनेस, गुड नाइट माई लव। आप इस तरीके से गुड नाइट विश करते हुए ये कह रहे हैं कि आप ही हमारी खुशी और मुस्कुराहट का कारण हैं, यानी आपको पाकर ही हम इतना ज़्यादा मुस्कुराते हैं और इतना ज़्यादा खुश रहते हैं। शुभ रात्रि मेरे प्यार, यानी शुभ रात्रि मेरे लव। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप उनको गुड नाइट विश करके उन्हें बहुत अच्छा फील करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं से वीडियो फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।